इस वक्त में मैं बात करता हूँ एक ऐसे बहादुर शख्स से जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारे साथ में संजय साहब हैं। संजय साहब, 25 साल हो गए हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वो कहानी सुनना चाहता हूँ कि कैसे हमारे देश के जवान उस जगह तक पहुँचे और पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया गया था, वो कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, आप सब देख रहे हैं कि ये पहाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, लेकिन इन पहाड़ों पे अगर आप जिसको बोलेंगे ना कि ऊपर तक पहुँचना कोई आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें कोई रास्ता नहीं था। रास्ते के बाद उसमें जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, ऑक्सीजन की कमी आपको होगी, पानी इसमें बहुत कम जगह हैं जो ऊपर वाले जिसमें पानी का स्रोत आपको मिलेगा, और अगर ऊपर दुश्मन साथ में बैठा है और फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम के साथ में आप ऊपर तक बढ़ना है, काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। सबसे बड़ी चुनौती, आधी चुनौती तो इन्हीं मौसम के साथ और इस हालात के साथ थी कि इसको पार करके कैसे पहुंचेंगे, और इसको पार करके जाने के बाद फिर जाके वॉर लड़ना, वो अपने आप में एक आप लगा सकते हैं आइडिया कि अलग से एक्सपीरियंस थे। हर किसी को लगता था कि पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए ही लड़ाई लड़नी पड़ती थी और पहुँचने के बाद दुश्मन के साथ लड़ना, लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है, जो हमारा चैन सिस्टम है फौज का काम करने का, वो कभी टूटता नहीं और ना कभी वो कमज़ोर पड़ता। नीचे नेशनल हाईवे पे वहाँ के रास्तों को ब्लॉक करने की जो ऊपर से फायरिंग हो रही है और नीचे, उसके बावजूद आप लोग ऊपर बढ़ते जा रहे थे, तो किस तरह से वो मनोबल, किस तरह से वो आपकी स्ट्रेटेजी वो काम आई और पाकिस्तानियों को भागना पड़ा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे कमांडर थे, जो उनकी प्लानिंग थी या उनके जो सोच विचार थे कि कैसे हम इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचा सकते, प्लानिंगों की वजह से ही फौज जो है अपने उस पड़ाव तक पहुँच पाई जैसा जहाँ पर दुश्मन के साथ लड़ने का मौका, और वहाँ भी जो प्लानिंग है जिसने की है, जैसे किसी भी कंपनी कमांडर ने अगर प्लान किया है कि मैं इस पोस्ट को लूँगा तो मेरा इतना कैजुअलिटी होगा, ऐसे जाऊँगा वैसे जाऊँगा, उससे अच्छा ही हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी पता है कि लीडर जब कोई काम करता है सेना में तो उसका जो जवान है उसको पता है कि मेरा लीडर मेरे साथ है, ठीक है, और मेरी ज़रूरत के टाइम पर या मुझे जब ज़रूरत होगी तो वो मेरे साथ होगा और मैं कुछ कर सकता हूँ, उसका मनोबल वैसा बना रहेगा। अगर पाकिस्तान वालों की तरह अगर उनका लीडर ही सबसे पहले भाग जाएगा तो कितनी देर लड़ेगा? हमारे साथ जिन पोस्टों पे हमने किया था तो हर पोस्ट में कोई ऐसा पोस्ट नहीं था जिसमें से वो भागे थे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो भागने वाले हैं, तो वैसे तो आपने कभी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना होगा कि हमारा कोई भी जवान या ऐसा कुछ भी सिचुएशन हुआ था कि आप लोग दौड़ रहे हो और पीछे भाग रहे हो बहुत बार। उसके बाद हम प्रोकिनोप पे जब फर्स्ट में अटैक किया था तब भी वैसा ही था, और जब हमने किया था फोरेस्ट संभाग पे तब भी वैसा ही था, तो वो सिचुएशन उनके साथ रही है, तो उसका फ़ायदा हमें ही मिला वैसे, क्योंकि कमांडर उनके साथ नहीं था तो वो लड़ने की शक्ति उनकी भी कम हुई और हमें उसका बेनिफिट मिला, तो हम पोस्ट को कैप्चर करने में और आसानी मिली। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, वो वीरता और शौर्य की जो कहानी है जिसके लिए आपको परमवीर चक्र से नवाजा गया, देश का सबसे कहा जाता है कि जवानों के लिए सबसे वो पदक है, वो क्या क्या कहानियाँ थी जिसके लिए आप और आपकी टीम को बकायदा सराहा गया, आपकी वो खास कहानियाँ जो है उसमें? कहानी में जो मैंने आपको अभी तक जितना बताया मैंने, बस वही एक ऐसी चीजें हैं कि टीम लीडरशिप क्वालिटी, और उसमें बस जो लास्ट में जो वहाँ 75 मस्कोबली का जब ऑपरेशन हो रहा था तो उसमें जो 75 को कैप्चर करने के लिए जो मेरी टीम निकली थी, तो ऐसे दिन का टाइम था उस दिन, एक्चुअली रात को गए थे, रात को कर नहीं पाए और फिर दिन को हमने ऑपरेशन किया। कितने लोग थे? वैसे तो हम पूरी कंपनी बटालियन थी, बटालियन से कंपनी आगे गई थी और कंपनी के में से भी हम सिर्फ 11 लोग गए थे, जैसे 10 और गए थे आगे तो उस ऑपरेशन में, लेकिन 10:30 बजे ऑपरेशन डे के टाइम पे गया, सबसे बड़ी बात वो थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऊपर बैठा हुआ पूरा हर चीज़ दिख रही है उसको कि कौन कहाँ निशाना लगाना आसान होता है, आराम से निशाना लेके फायर कर सकता है, अपनी पोस्ट की निगरानी कर सकता है, लेकिन रात के टाइम पे हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था उनकी जगह पहचानना कि वो है कहाँ पर, एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। लेकिन दोनों साइड से देखे तो उनके लिए भी बेनिफिट था और हमारे लिए भी कुछ एक बेनिफिट थे और कुछ इनका नुकसान थे, तो हमने अपना जो ट्रेनिंग था उसका इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे, और जो उनकी मेन एक्चुअली जिस अवार्ड के लिए मुझे नवाजा गया था तो उनके जो फर्स्ट बंकर में दो यूमजी गने थे, मशीन गने थे, जो 17 जाट के ऊपर एक कर फायर कर रही है तो एक हमारे ऊपर कर रही है, तो उसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, तो उसको हटाने बहुत मुश्किल था, तो उसको हटाने में वो मुझे वो मौका मिला, मेरे साथियों को मौका मिला था और उसी की वजह से ये अवार्ड मिला था। निश्चित तौर पर देखिए,
वीरता और शौर्य की कहानी लगातार चलती रहेंगी, लेकिन वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में खदेड़ा था, और जिस तरह से यहाँ पर भारत वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों की बात करें, वहाँ आतंकियों की बात करें या उनके सेना की बात करें, तो जिस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे थे, तो जिस तरह से वीरता और शौर्य के साथ में उसका उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, ये तमाम कहानियाँ उससे मिलता जुलता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल।